दोस्तों, अभी अभी एक बहुत बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है जो कि इंटरनेशनल फ्लाइट से है, जो कि आपको बता दूं इंडिया से सऊदी अरब आने वाला फ्लाइटों के बारे में, जो कि 3 फ्लाइट उसमें एडिशनल फ्लाइट जोड़ा गया है। अब ये वंदे भारत 7 में जोड़ा गया है या क्या है वो मैं बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पे आज एयर इंडिया एक्सप्रेस ने ट्वीट किया है, जो कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। 6 अक्टूबर का ये लिस्ट है, ठीक है। 6 अक्टूबर को ट्वीट करके दिया है और यहाँ पे लिखा है एडिशनल फ्लाइट इन अक्टूबर 2020, जिसका नंबर है IX1231-1232, जो कि मुंबई से रियाद आने वाला है, ठीक है। मुंबई से रियाद के लिए है और मुंबई 1 10 अक्टूबर, 10 अक्टूबर को ये फ्लाइट है। इसके देखिए 12 अक्टूबर को एक फ्लाइट है जो कि IX1283-1232, जो कि मुंबई से दमाम रियाद के लिए है, वो 12 अक्टूबर को है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक फ्लाइट है IX1691 तिरची दमाम तिरची, ठीक है, वो 19 अक्टूबर को है। दोस्तों, आप लोग कमेंट करेंगे कि ये फ्लाइट का जो है टिकट कैसे बुकिंग करना है, क्या ऑनलाइन करना है। और मैं बता दूं, इसके लिए तो बहुत झमेला, PCR टेस्ट ये वो करवाना पड़ता है। तो मैं आपको एक बात ये क्लियर कर दूं, यहाँ पे देखिए एक आदमी ने जो है कमेंट किया एयर इंडिया एक्सप्रेस को, सर इंडिया टू सऊदी अरबिया ओपन फ्लाइट और नॉट। तो इस पर एयर इंडिया ने जवाब दिया है, ऑलरेडी अप्लाई, कहा है कि ऑलरेडी जो है अप्लाई कर दिए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, एयर इंडिया ने ये नहीं कहा है कि यह वंदे भारत 7 में जोड़ा जा रहा है, या फिर ये उन लोगों के लिए है जो आना चाहते हैं इंडिया से। आप समझ रहे हैं बात को, इसमें तो ये नहीं लिखा है कि ये वंदे भारत 7 में जो जाना चाहते हैं आम पब्लिक वो आ सकता है। इसमें हो सकता है तो उस तारीख को जोड़ा गया, जैसे कि पहले जो वंदे भारत 7 में जो इंडिया से सऊदी अरब के लिए फ़्लाइट है, हो सकता है कहूँ ये फ़्लाइट हो। और इसका टिकट कहाँ से लेना है, क्या करना है, इसके बारे में अभी तक एयर इंडिया ने कोई रिप्लाई अभी तक नहीं दिया है। जैसे देगा मैं आप लोगों को खबर कर दूंगा। लेकिन ये ट्वीट आया था, हम सोचे कि आप लोगों को